Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture, and I am continuing the chapter number 9, that is ray optics and optical instruments. So in this lecture I will discuss about total internal reflection. Yes, total internal reflection के बारे में हम लोग discuss करेंगे. और total internal reflection का concept आया actual में refraction से. और रिफ्रैक्शन में हमने कंडीशंस देखी थी कि जब भी कोई लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती थी, सो वो उसका पाथ डेविएट हो जाता है. इट मींस उसका पाथ, इस केस में जब वो डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगी तब उसका पाथ नॉर्मल से दूर हट जाता है, इट गोज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो यहाँ पर भी सपोज हम कंसिडर करते हैं एक रेयरर मीडियम, एक डेंसर मीडियम. सो लेट अस कंसिडर, यहाँ पर रेयरर मीडियम है एयर और डेंसर मीडियम है वाटर, और कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है यहाँ पर डेंसर मीडियम में. सो सपोज कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज यहाँ से इमर्ज हो रही है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकल रही है. सो सबसे फर्स्ट केस हम कंसिडर करते हैं जब इस ऑब्जेक्ट से कोई लाइट रे निकल रही है, और वो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रे, ये जो सरफेस है एक्स वाई सरफेस, जो बेसिकली इंटरफेस है एयर और वाटर के बीच का, जो इस वाटर और एयर के बीच का इंटरफेस है, जो इस एयर और वाटर को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है. सो ऑब्वियसली जब भी कोई लाइट रे इस तरह के इंटरफेस पर इंसिडेंट करती है तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू दैट पेयर ऑफ मीडियम वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है. यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है डेंसर मीडियम में वाटर में, ठीक है, हम देख सकते हैं बहुत अच्छे से. और इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो लाइट रे है, सपोज अभी बिल्कुल नॉर्मली इस एक्स और वाई इंटरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, सपोज बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्स और वाई पर इंसिडेंट हो रही है, इस केस में यहाँ पर लाइट रे बिल्कुल सीधे सीधे निकल जाएगी, ठीक है, सीधे सीधे एल डायरेक्शन में आगे फॉरवर्ड होगी. सपोज यहाँ पर अगर कोई इंसिडेंट एंगल होता, क्योंकि यहाँ पर देखिए इंसिडेंट एंगल ओ ए जो है, ओ ए वाली केस में यहाँ पर जब लाइट रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रही है इस इंटरफेस एक्स वाई पर, सो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल क्या है, ज़ीरो. इंसिडेंट एंगल ज़ीरो है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल भी कहाँ होगा, नॉर्मल भी इस एल इस पर्टिकुलर लाइन के अलॉन्ग ही होगा. सो इसलिए यहाँ पर लाइट रे बिल्कुल सीधे सीधे बाहर की तरफ इमर्ज हो गई विदाउट एनी डेविएशन. सपोज यहाँ पर अगर कोई एंगल ऑफ इंसिडेंट होता, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड रे ओ ए वन को, यहाँ पर सपोज कोई एंगल ऑफ इंसिडेंट है सपोज आई, ठीक. सो ये लाइट रे को हम देखेंगे तो ये ओ ए वन इज अ लाइट रे, विच हैविंग द इंसिडेंट एंगल आई, इस जो इंसिडेंट एंगल आई क्रिएट कर रही है नॉर्मल से, ठीक है, या एक पर्टिकुलर एंगल पर इंसिडेंट हो रही है इस एक्स वाई इंटरफेस पर. सो ऑब्वियसली इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है इस एक्स वाई पर, अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो हम ये देखेंगे कि वाटर से एयर में जाने वाली जो लाइट रे है वो पर इस नॉर्मल से थोड़ी सी डेविएट हो गई, नॉर्मल से दूर हट गई है, ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्मल से ये दूर हट चुकी है, ठीक. सो ये लाइट रे ए वन बी वन, इज अ रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, विच इज़ डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. सो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो एंगल होगा नॉर्मल से इस रिफ्रैक्टेड लाइट रे का, ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक, आर. सो अब यहाँ पर जो हमने देखा एंगल ऑफ इंसिडेंट को, अगर हम थोड़ा सा वेरी करें, एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, देखिए ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट, अगर इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को थोड़ा सा और बढ़ा दें तो ये डिफाइन कर रहा है सपोज इस लाइट रे को ए ओ ए टू, इस ओ ए टू के केस में जो डेविएशन होगा वो देखिए इस इंटरफेस पर इस नॉर्मल के साथ में वो पहले से थोड़ा ज़्यादा होगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं वेरी इजीली, ठीक, यहाँ पर जो डेविएशन होगा वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक. इसी तरह से जैसे जैसे हम लाइट रे का इंसिडेंट एंगल बढ़ाते जाएंगे इस ओ ए थ्री के अलॉन्ग, अगर हम देखें इस ओ ए थ्री के अलॉन्ग, सो यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंट और बढ़ जाएगा. एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब लाइट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसा होगा जब
यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सो यहाँ पर हम देख रहे थे जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते जा रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंट था, ठीक है, देन एंगल ऑफ इंसिडेंट को हमने बढ़ाया, ठीक, देन एंगल ऑफ इंसिडेंट को और बढ़ाया, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर हम बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, सो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी बढ़ता जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी आ रही है कि एक इंसिडेंट एंगल ऐसा होगा जब एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन जो होगा वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर केस में ये एक स्पेशल केस हो गया जब लाइट रे जो है वो किसी दूसरे मीडियम में ट्रैवल ना कर कर कहाँ ट्रैवल कर रही है, इंटरफेस के अलॉन्ग। लाइट रे, इस केस में लाइट रे एंगल, ये जो इंटरफेस है इस इंटरफेस के अलॉन्ग ट्रैवल कर रही है, लाइट रे ट्रैवलिंग अलॉन्ग द इंटरफेस, ठीक है, एक्स वाई। सो ये स्पेशल जो एंगल होगा इस एंगल को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा क्रिटिकल एंगल सी, ठीक। ये एक ऐसा एंगल है, एक स्पेशल ऐसा इंसिडेंट एंगल है जिस पर जो रिफ्रेक्टेड है वो सरफेस के अलॉन्ग ट्रेवल करेगी, सरफेस के अलॉन्ग ट्रेवल करेगी, एंड हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन हो जाएगा 90 डिग्री इन दिस पर्टिकुलर केस। अब सपोज़ क्या होगा अगर हम इंसिडेंट एंगल को अगर हम थोड़ा सा और बढ़ा दें, सपोज़ इंसिडेंट एंगल को अगर हमने और बढ़ा दिया थोड़ा सा, ठीक, यहाँ पर इस केस में सबसे लास्ट वाली रे जो है हमारी OA4, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सबसे लास्ट रे है, जो लास्ट रे है OA4, इस OA4 रे के केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट एक्चुअल में क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा है, ठीक है। आई इज़ ग्रेटर देन सी, ठीक, हम देख सकते हैं यहाँ पर वेरी इजीली। सो इन दिस केस यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन सी, मतलब क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा है। इस केस में क्या होगा? आप क्योंकि देखिए इंसिडेंट एंगल बढ़ गया है इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन भी बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन पहले 90 डिग्री था, अब वो 90 डिग्री से और बढ़ जाएगा। जब 90 डिग्री से और बढ़ेगा तो जो लाइट रे जो सरफेस के अलॉन्ग ट्रैवल कर रही थी वो क्या करेगी? अपने प्रीवियस मीडियम में रिटर्न आने लगेगी इस तरह से, ठीक है। उसे जाना चाहिए था इस तरह से लेकिन वो आने लगी है वापस रिटर्न इस तरह से A4B4 डायरेक्शन में। तो जब ये वाला फिनोमिना होगा जब लाइट रे जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस लौट जाए, जबकि यहाँ पर रिफ्रेक्शन हम करवा रहे थे, ठीक है। सो इस केस में लाइट रे जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में लौट कर जा रही है, तो दिस इज अ फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें ये रिफ्लेक्शन कैसा नज़र आ रहा है, एज ए रिफ्लेक्शन कि भाई लाइट रे जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस लौट कर जा रही है। सो ये मीडियम, ये फिनोमिना कहलाता है लाइक द रिफ्लेक्शन। सो इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस फिनोमिना को ही हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर किसी लाइट रे अगर डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, सो ऑब्वियसली वो लाइट रे वापस अपने मीडियम में लौट जाती है, अपने डेंसर मीडियम में ही लौट जाएगी, और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो देयरफॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बी डिफाइंड एज अ फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दैट टेक्स प्लेस व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डेंसर मीडियम गेट्स इंसिडेंट एट द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर पेयर ऑफ मीडिया। और यहाँ पर क्रिटिकल एंगल क्या होगा? द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया में बी डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इन द रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री, ठीक है। जब एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा रेयरर मीडियम में, सो ऑब्वियसली ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए, ये जो हमने प्रोसेस अभी देखा ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का था, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है वो है द रे इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस शुड ट्रैवल इन द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सबसे पहली चीज़ जो है वो लाइट रे
ट्रैवल करना चाहिए ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में कुछ इस तरह से कि एक्चुअल में वहाँ पर पेयर ऑफ मीडिया जो है वो कुछ इस तरह का हो, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ठीक है। जैसा कि हमने अभी यहाँ पर देखा वाटर टू एयर ट्रैवल कर रही थी लाइट रे एक्चुअल में, ठीक है, वाटर टू एयर, तो यहाँ पर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल कर रही थी। बट यहाँ पर हमने देखा कि इस पेयर ऑफ मीडिया के लिए लाइट रे जब टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो रही थी तब वो टोटली डेंसर मीडियम में ही ट्रैवल कर रही थी। सो इसलिए हमने यहाँ पर कहा कि द रे इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस शुड ट्रैवल इन द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। एंड द सेकेंड थिंग इज दिस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब हुआ था? जब एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा थी। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट कंडीशंस। ओके, सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर हम रिलेशन देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और क्रिटिकल एंगल का। सो ऑब्वियसली हमने देखा था कि जब भी बेसिकली रिफ्रैक्शन होता है किसी भी पर्टिकुलर लाइट रे में तो वो होता है दो मीडिया के रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस में डिफरेंस की वजह से, ठीक है। दो मीडियम में के अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस है तो ऑब्वियसली वहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। सो इसी तरह से हम यहाँ पर अब रिलेशन देखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। अब हम यहाँ पर अगर देखें हमारे पिक्चर में तो रेयरर मीडियम क्या है, देखिए रेयरर मीडियम है ए एयर और डेंसर मीडियम है वाटर बी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए हमें देखना है विथ रिस्पेक्ट टू बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हमने बी म्यू ए उसको इस तरह से लिखा हुआ है। सो ऑब्वियसली ये होगा साइन आई अपॉन साइन आर, स्नेल्स लॉ, यहाँ पर आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ऑब्वियसली क्रिटिकल एंगल के केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा क्या हो जाता है 90 डिग्री। सो हम लिख सकते हैं कि अगर इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल है, क्रिटिकल एंगल है, सो ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा आर 90 डिग्री। ये कंडीशन है क्रिटिकल एंगल के लिए। सो हम यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं बी म्यू ए इज इक्वल्स टू साइन सी डिवाइडेड बाय साइन आर को साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1 हमें पता है। सो फाइनली बी म्यू ए हो जाएगा साइन सी। सो दिस इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम ए विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसर मीडियम बी, ठीक है। इसी का अगर हम अपोजिट लेना चाहें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 1 बाय बी म्यू ए, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए म्यू बी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर बी म्यू ए की वैल्यू साइन सी आई थी, इसलिए ए म्यू बी की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय साइन सी। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक तरह से देखा जाए तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन से कहीं ज़्यादा यूजफुल होता है, कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जब भी हम किसी रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, सपोज हम रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी मिरर पर तो उसका कुछ पार्ट जो है वो मिरर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं किसी सरफेस पर या किसी मीडियम में, सो ऑब्वियसली वहाँ पर जितनी लाइट एनर्जी होती है वो पूरी की पूरी ट्रांसफ़र हो जाती है, या मतलब पूरी की पूरी ही टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड होती है, ठीक है। सो इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट देयर इज़ ए प्रैक्टिकली नो लॉस ऑफ लाइट इन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वाइल इन द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर स्मॉल पार्ट ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब इन व्यू ऑफ दिस टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म आर यूज इन द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन ऑर्डर टू चेंज द पाथ ऑफ लाइट वेन एवर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें मैक्सिमम जगह रिफ्लेक्शन करवाने के लिए हम लोग प्रिज्म का यूज़ करते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ मिरर, क्योंकि मिरर क्या करता है कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे एनर्जी में डिफिशियंसी आ जाती है, लाइट एनर्जी में डिफिशियंसी आ जाती है। इसलिए इसकी जगह पर प्रिज्म का यूज़ किया जाता है। हम प्रिज्म का आगे कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस तरह से टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट करता है प्रिज्म लाइट को। सो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में नॉर्मली मिरर की जगह रिफ्लेक्शन करवाने के लिए प्रिज्म का यूज़ किया जाता है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करता है। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल है हम वो देखते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5, हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5 का है। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास,
ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट हमें पता करना है। इफ़ इट्स स्पीड इन द एयर इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं हम लोग, सो उसका फार्मूला होगा म्यू इज इक्वल्स टू, अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास कैलकुलेट करना है तो इसका फार्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, ठीक है। सो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से अभी वी जी सफिक्स लिखा हुआ है मैंने, बट यहाँ पर आप कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं म्यू जी वी जी इज इक्वल्स टू सी बाय म्यू जी, ठीक है। ये डायरेक्टली फार्मूला है वेलोसिटी इन द ग्लास कैलकुलेट करने के लिए। सो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट अप करेंगे, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय म्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी हुई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास 1.5। सो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये वी की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमें एक और इम्पॉर्टेंटली पैरामीटर कैलकुलेट करना है, दैट इज़ क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास। ऑल्सो फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर द ग्लास। ऑब्वियसली हमने अभी देखा कि जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू, वो हो जाएगा 1/sin c, ठीक है। ठीक है, अभी हमने इसके पहले जस्ट देखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम, यही था ना बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ पर ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर, क्योंकि यहाँ पर एयर और ग्लास की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम कितना होगा, 1/sin c, और यहाँ पर म्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली ऑलरेडी, वो हमें दिया हुआ है 1.5। तो यहाँ से साइन सी की वैल्यू हो जाएगी 1/1.5, ये हो जाएगी 0.667। सो 0.667 जो होता है वो साइन 41.8 डिग्री का वैल्यू होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सी की जो वैल्यू होगी वो होगी 41.8 डिग्री, ठीक है। सो इस तरह से हम देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्रिटिकल एंगल भी कैलकुलेट कर लिया। अब जैसा मैंने कहा था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन काफ़ी यूज़फुल होता है डेली रूटीन लाइफ में, और इसके काफ़ी सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी है। तो चलिए वन बाय वन कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं इसकी। हम सबसे पहला एप्लीकेशन इसका है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में इसका यूज़ होता है। एक प्रिज्म हम कंसिडर करते हैं जो बेसिकली एक आइसो स्केल्स राइट एंगल ग्लास प्रिज्म होता है, जिसमें एंगल्स होते हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। इसके मतलब जो तीनों एंगल्स होते हैं वो होते हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। कैन बी यूज टू डेविएट द रे लाइट थ्रू द 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। अगर हम किसी लाइट रे को 180 डिग्री या 90 डिग्री से डेविएट करना चाहते हैं, उसके पाथ को डेविएट करना चाहते हैं, सो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक प्रिज्म का यूज़ करते हैं जिसके एंगल्स होते हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री। सच ए ग्लास प्रिज्म डेविएट द रे ऑफ लाइट थ्रू द 90 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। ये लाइट रे को सीधे 90 डिग्री और 180 डिग्री से रोटेट कर देते हैं, ठीक है, या डेविएट कर देते हैं। सो इसलिए इसे कहा जाता है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, इसीलिए इन प्रिज्म को कहा जाता है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। सो एक्चुअल में जो ग्लास होता है, नॉर्मली फॉर द ग्लास जो होता है, वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल होती है 42 डिग्री। अगर ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है 42 डिग्री, ठीक है, अगर हम इस 42 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर कोई लाइट रे ग्लास में इंसिडेंट करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म होगा। तो प्रिज्म जो होता है वो ग्लास का ही बना हुआ होता है, तो इसलिए जब भी हमें प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करना होता है तो उसमें हम जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो 42 डिग्री के बजाय 45 डिग्री तक रखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसके दो केसेस हैं, दो केसेस हम कंसिडर करने वाले हैं, क्योंकि अभी हमने जो कहा कि हमारे जो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म है वो बेसिकली लाइट रे को 90 डिग्री और 180 डिग्री से डेविएट कर देते हैं। तो सबसे पहला हम कह सकते हैं टू डेविएट द रे ऑफ लाइट थ्रू द 90 डिग्री, कि किस तरह से हम लाइट रे को 90 डिग्री डेविएट करेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एक प्रिज्म नज़र आ रहा है। देखिए प्रिज्म बिल्कुल जो हमने जिस प्रिज्म की बात की थी कि इसमें जो तीनों एंगल्स होंगे 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 45 डिग्री के तीनों एंगल्स हैं इसके। और यहाँ पर सपोज़ हमने लाइट रे को इंसिडेंट किया हुआ है पी, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोज लाइट रे इंसिडेंट हुआ। सो फर्स्टली अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस सरफेस ए बी पर, इस सरफेस ए बी पर अगर हम लाइट रे को इंसिडेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट रे जब इंसिडेंट होगी ए बी पर तो ऑब्वियसली इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो वो हमेशा इस लाइट रे के अलॉन्ग ही होगा। तो ऑब्वियसली जब भी कोई लाइट रे नॉर्मल के अलॉन्ग इंसिडेंट होती है तो वहाँ पर किसी तरह का डेविएशन नहीं होता, वो लाइट रे सीधी सीधी निकल जाती है।
नेक्स्ट जब ये लाइट रे दूसरे सरफेस पर पहुंचेगी इस प्रिज्म के, सपोज सरफेस बीसी पर ये लाइट रे जब पहुंची, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये हो गया एक्चुअल में 45 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये होगा 45 डिग्री, और ये 45 डिग्री जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ये एक्चुअल में क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। क्रिटिकल एंगल कितना था ग्लास का, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, सी की वैल्यू थी यहाँ पर 42 डिग्री, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो 45 डिग्री इस 42 डिग्री से ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म होगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म होगा और लाइट रे बिल्कुल अपने ही मीडियम में वापस लौट जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर वापस पहुँचेगी। ऑब्वियसली जब लाइट रे सरफेस ए सी पर पहुँचेगी, सो ए सी पर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो लाइट रे जो होगी वो इस नॉर्मल के अलॉन्ग ही होगी, इसलिए यहाँ पर किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा और लाइट रे बिल्कुल सीधे सीधे यहाँ से बाहर की तरफ पास हो जाएगी। तो हम यहाँ पर अगर देखें लाइट रे जो एक्चुअल इंसिडेंट रे थी हमारी पी पॉइंट पी से, और एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारी आर, अगर हम इनके बीच का टोटल एंगल अगर देखें दो तरह के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद, तो हम यहाँ पर पाएंगे कि ये जो टोटल इन एंगल है ये है एक्चुअल में 90 डिग्री। ठीक है, सो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि किस तरह से हमने प्रिज्म की मदद से लाइट रे को 90 डिग्री से डेविएट किया हुआ है। सो इसीलिए जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है किसी लाइट रे को 90 डिग्री से डेविएट करने की, तो हमें इस तरह के टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की मदद लेनी होती है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करके लाइट रे को 90 डिग्री डेविएट कर देते हैं। इसी तरह से अब हम सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं इसका, मतलब सेकेंड जो एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कि अगर हम किसी लाइट रे को 180 डिग्री से डेविएट करना चाह रहे हैं। 180 डिग्री आप समझ सकते हैं कि जिस डायरेक्शन से लाइट आई उसी डायरेक्शन में वापस अगर लौट जाए, सो दैट विल बी द 180 डिग्री डेविएशन। सो 180 डिग्री डेविएशन भी पॉसिबल है प्रिज्म से, हम देखते हैं किस तरह से। बिल्कुल हम देख सकते हैं यहाँ पर इस पिक्चर में कि किस तरह से 180 डिग्री का डेविएशन हो रहा है। सो यहाँ पर भी देख सकते हैं हम बिल्कुल वही वाला केस है, उसी केस को हमें कंसिडर करना है कि सपोज़ ये हमारे पास एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म है और ऑब्वियसली टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म है जिसमें एंगल्स हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, हम देख सकते हैं। सपोज़ कोई लाइट रे है जो पी क्यू, कोई लाइट रे पी क्यू यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है इस सरफेस बी सी पर, लाइट पी सरफेस बी सी पर सपोज़ क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, लाइट रे जैसी इंसिडेंट होगी इस सरफेस पर, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लाइट रे क्योंकि अभी बिल्कुल नॉर्मल के अलॉन्ग ही है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से अगर हम नॉर्मल को ड्रॉ करें तो नॉर्मल के अलॉन्ग ही होगी, इसलिए यहाँ पर किसी तरह का रिफ्रेक्शन नहीं होगा इस पॉइंट बी सी पर या सरफेस बी सी पर। लाइट रे सीधे सीधे अंदर की तरफ ट्रैवल करेगी, लेकिन अंदर की तरफ जब ट्रैवल करेगी और ये सरफेस ए बी पर पहुंचेगी, जब इस प्रिज्म के सरफेस ए बी पर पहुंचेगी, तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है इससे अगर हम नॉर्मल क्रिएट करें, इससे अगर हम नॉर्मल क्रिएट करेंगे तो हम पाएंगे ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, दिस इज पी क्यू रे, बेसिकली 45 डिग्री एंगल पर होगी। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, 45 डिग्री होगा। और अगेन आई एम रिपीटिंग हेयर कि यहाँ पर जो ग्लास है वो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 45 डिग्री। सो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म होगा, और ऑब्वियसली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो परफॉर्म होगा तो लाइट रे अगर 45 डिग्री से इंसिडेंट हुई है तो 45 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट के ऊपर 45 डिग्री से रिफ्लेक्ट भी होगी। और लाइट रे जब 45 डिग्री से रिफ्लेक्ट होगी तो वो बिल्कुल इस तरह से पैरेलल टू बीसी, पैरेलल टू सरफेस बीसी ट्रैवल करेगी, पैरेलल टू सरफेस बीसी ट्रैवल करेगी, ठीक है, क्योंकि इसका ये एंगल भी हो जाएगा लगभग 45 डिग्री और ये 45 डिग्री जब एंगल हो जाएगा तो लाइट रे ट्रैवल करेगी क्यू आर डायरेक्शन में, ठीक है, इन पैरेलल टू द बीसी। अब लाइट रे जब क्यू आर डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए सरफेस ए सी पर पहुंचेगी, ये जो सरफेस है ए सी, इस सरफेस ए सी पर जब पहुंचेगी और इंसिडेंट होगी इस पॉइंट आर पर, तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, लाइट रे इस सरफेस के अलॉन्ग इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लाइट रे इंसिडेंट हुई है 45 डिग्री एंगल पर, इस नॉर्मल के अलॉन्ग 45 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट
क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, 42 डिग्री से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और लाइट रे जिस एंगल से यहाँ पर इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, मतलब 45 डिग्री एंगल से ही रिफ्लेक्ट होगी। सो ऑब्वियसली इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से कि लाइट रे 45 डिग्री एंगल से रिफ्लेक्ट होने के बाद, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड होने के बाद सीधे सीधे आर एस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। और आर एस डायरेक्शन में जब ट्रेवल करेगी तो अगेन इसके पास एक और अभी चांस है रिफ्रैक्शन का, वो है बी सी सरफेस पर। लेकिन सरफेस बी सी पर जब ये लाइट रे इंसिडेंट होगी सो यहाँ पर क्या होगा, ये अलॉन्ग द नॉर्मल ही इंसिडेंट हो रही है, इसलिए यहाँ पर किसी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं हो पाएगा और लाइट रे सीधे सीधे इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो फाइनली यहाँ पर दो बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, पहला एट द पॉइंट क्यू एंड द सेकंड एट द पॉइंट आर। और हमने देखा कि देखिए लाइट रे आ रही थी इस डायरेक्शन से पी और वापस उसी डायरेक्शन में लौट गई, ठीक है। सो ये प्रोसेस जो है अगर हम टोटल देखें यहाँ पर कि यहाँ पर टोटल 90 डिग्री और ये टोटल 90 डिग्री, टोटल हो गया 180 डिग्री का यहाँ पर एक्चुअल में डेविएशन हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर लाइट रे में 180 डिग्री का डेविएशन हम देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है, क्योंकि जिस डायरेक्शन से आई और उसी डायरेक्शन में लौट गई, तो ऑब्वियसली ये जो डेविएशन होगा ये 180 डिग्री का होगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि किस तरह से एक लाइट रे 180 डिग्री डेविएट हो गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। सो इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट थिंग हम अगर बात करें कि जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि नॉर्मली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम हमेशा प्रिज्म का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ मिरर, क्योंकि मिरर जो होता है वो लाइट रे को एब्जॉर्व कर लेता है और एनर्जी की डिफिशियंसी ऑप्टिकल एनर्जी की डिफिशियंसी क्रिएट करता है, इसलिए नॉर्मली प्रिज्म का यूज़ किया जाता है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बातें होती है, कुछ और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड प्रिज्म जो है वो ज़्यादा सुइटेबल होता है इंस्टेड ऑफ द मिरर। रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म डज नॉट रिक्वायर एनी सिल्वरिंग, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म जो होता है उसमें किसी तरह के कोई सिल्वर पॉलिशिंग की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि हमने देखा कि नॉर्मली जो हमारे मिरर्स होते हैं उन मिरर्स में हमें बैक साइड में सिल्वर पॉलिश करना होता है, तो तभी अगर वो रिफ्लेक्शन परफॉर्म करते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, प्रिज्म के केस में ऐसा नहीं होता। अ सिल्वर्ड प्लेन मिरर ऑलवेज एब्जॉर्व द सम लाइट, इन अ गुड मिरर द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इज़ अबाउट 90 to 95%, हाउ वेयर रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ऑलमोस्ट 100% रिफ्लेक्शन इज सिक्योर, ठीक है। सो नॉर्मली जो सिल्वर प्लेन मिरर होता है हमारा जिसमें सिल्वर पॉलिश होती है, वो कुछ लाइट एब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए उससे जो रिफ्लेक्शन होता है वो लगभग 90 to 95% होता है, जबकि प्रिज्म में जो रिफ्लेक्शन होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, 100%, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह की कोई सिल्वर पॉलिशिंग नहीं होती। अगर हम बात करें किसी थिक प्लेन मिरर की, अ थिक प्लेन मिरर कॉजेज द मल्टीपल रिफ्लेक्शन, देयर फॉर अलॉन्ग विद द इमेज प्रोड्यूस ड्यू टू द फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट द सिल्वर्ड सरफेस, सेवरल अदर इमेजेस आर प्रोड्यूस ड्यू टू द सब्सिक्वेंट मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। ऑब्वियसली द इमेज फॉर्म्ड इज नॉट वेरी ब्राइट सिंस इन अ टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म ओनली वन इमेज इज फॉर्म्ड, हैंस द इमेज ऑब्टेंड इज वेरी ब्राइट, ठीक है। नॉर्मली जो प्रिज्म प्लेन मिरर होता है हमारा, वो प्लेन मिरर में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, क्योंकि जो सिल्वर पॉलिशिंग होती है उसकी कुछ लेयर्स होती है और उनके अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग रिफ्लेक्शंस परफॉर्म होता है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर प्लेन मिरर जो है वो एक इमेज क्रिएट ना करके नंबर ऑफ मल्टीपल इमेजेस क्रिएट करता है, और फाइनली उन मल्टीपल इमेजेस का कॉम्बिनेशन ही हमें एक इमेज के फॉर्म में नज़र आता है। बट क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हो रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो फाइनल कॉम्बिनेशन है उसका वो कभी कभी थोड़ा सा ब्लर सा हो जाता है, ठीक है, जबकि रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर क्योंकि एक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यहाँ पर रिफ्लेक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर किसी तरह की सिल्वर पॉलिशिंग भी नहीं है, तो जिसकी वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस यहाँ पर नहीं होते, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इमेज को क्रिएट करने के लिए, दैट्स वाई यहाँ पर जो इमेज क्रिएट होती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है और ज़्यादा क्लियर होती है। With the constant use of the mirror, its silver surface may go bad, then the mirror will produce image of the very poor quality. ठीक है, क्योंकि जब normally ज़्यादा continuous use की वजह से जो हमारा mirror होता है उसकी silver polishing ख़राब होने लगती है, जब silver polishing ख़राब होती है तो उससे reflection की capability उसकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो proper image form नहीं कर पाता, जबकि
रिफ्लेक्टिंग जो प्रिज्म है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई सिल्वर पॉलिश नहीं होती, इसलिए सिल्वर पॉलिश के ख़राब होने का भी कोई सवाल नहीं उठता यहाँ पर। सो इसलिए यहाँ पर प्रिज्म यहाँ पर भी अपनी सुटेबिलिटी को ज़्यादा प्रूव कर रहा है कि एज़ कम्पेयर टू मिरर जो रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म है वो ज़्यादा सुटेबल होते हैं। यहाँ पर वक्त के हिसाब से इसकी रिफ्लेक्टिंग कैपेबिलिटी में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं आता। सो ड्यू टू द इम्परफेक्ट नॉन यूनिफॉर्म सिल्वरिंग ऑफ द मिरर द इमेज ऑब्टेंड विद द मिरर इज ऑफनली डिस्टॉर्टेड वन। ठीक है, नॉर्मली कभी कभी क्या होता है कि जो मिरर होता है उसके पीछे जो सिल्वर पॉलिश होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, मतलब जो मिरर है मिरर के हर एक पर्टिकुलर पार्ट पर बिल्कुल इक्वल डेप्थ की या इक्वल थिकनेस की सिल्वर पॉलिशिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन जो होता है मिरर से वो उसमें भी अलग अलग पॉइंट से अलग अलग जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें भी बेसिकली मिसमैच होता है, जिसकी वजह से जो इमेज होती है वो थोड़ी सी डिसऑर्डर होती है, इमेज बिल्कुल परफेक्ट शेप की नहीं बन पाती। सो ये कुछ ऐसे रीज़न हैं जो बताते हैं कि जो मिरर होता है उस मिरर को नॉर्मली हम किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ नहीं करते हुए वहाँ पर प्रिज्म का यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा सुटेबल होते हैं और ज़्यादा एक्यूरेट इमेज फॉर्म करते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, दैट इज़ मिराज। मिराज अक्सर गर्मी के दिनों में ये देखने को मिलता है, अक्सर गर्मी के दिनों में जो सुनसान एरिया होते हैं स्पेशली डामर के रोड जो होते हैं या फिर जो रेतीले मैदान होते हैं वहाँ पर हमें ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि गर्मी के दिनों में जो सरफेस होती है अर्थ सरफेस या फिर रोड हो गया, उस रोड के करीब में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से रोड के करीब का जो एयर होती है रोड के करीब की या फिर सरफेस के करीब की जो एयर होती है वो ज़्यादा वार्म होती है। वार्म होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर वो थोड़ी सी लाइट होती है और लाइट होने की वजह से ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठती है तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे जैसे हम रोड के करीब जाते हैं जिससे जैसे रोड के हम करीब जाएंगे जो लेयर्स होगी वो ज़्यादा वार्म होगी, मतलब रोड के करीब वाली जो एयर लेयर होगी वो थोड़ी ज़्यादा वार्म होगी। ज़्यादा वार्म होने की वजह से वो कैसी होती है, लाइट होती है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। इट मीन्स जैसे जैसे हम रोड से ऊपर की तरफ जाएंगे जो लेयर्स होगी वो लेयर्स ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होगी, जबकि जैसे जैसे रोड के करीब आएंगे जो लेयर्स होगी वो कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होगी, ऑब्वियसली रेयरर होगी। सो ड्यू टू द इंटेंस हीट द सरफेस ऑफ द अर्थ बिकम्स क्वाइट हॉट एंड द टेम्परेचर ऑफ द एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मैक्सिमम। द टेम्परेचर ऑफ द अदर लेयर्स ऑफ द एयर गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वन गोज अप। Therefore, density as well as the refractive index of the air increases slightly for the higher layers. ठीक है, सो इसीलिए क्या होता है नॉर्मली यहाँ पर रिफ्रेक्शन परफॉर्म होता है। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं। ठीक है, सो जब भी हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम जो लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से टकरा कर हमारी आइज़ में पहुँच रही है। ठीक है, ये मल्टीपल लेयर्स की वजह से, ये मल्टीपल जो लेयर्स हैं इनकी वजह से क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है, और रिफ्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पर कॉन्सेप्ट वही है क्योंकि ऊपर की तरफ डेंसर मीडियम है और नीचे की तरफ रेयरर मीडियम है। ठीक है, ऊपर की तरफ डेंसर मीडियम है और नीचे की तरफ रेयरर मीडियम है क्योंकि इस रोड के करीब में जो लेयर्स हैं, ठीक है, सपोज़ ये सरफेस है, इस सरफेस के करीब में जो लेयर्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा हॉट है, मतलब इनका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, और ये लोअर लेयर्स है, ठीक है, और ये हायर लेयर्स हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर लोअर लेयर्स का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो कम है। ठीक है, और हायर लेयर्स का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा सपोज़ वो लाई कर रहा है कहाँ पर, हायर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम में, मतलब डेंसर मीडियम में। तो देखिए यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट होता है कि जब हम इस डेंसर मीडियम में रखे हुए इस ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं और इससे लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में पहुँचती है तो वो इस मल्टीपल लेयर से होती भी आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मल्टीपल रिफ्रेक्शंस होते हैं और फाइनली जो लाइट रे होती है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो यहाँ पर हो जाती है। जब लाइट रे टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट यहाँ पर होती है तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसकी एक वर्चुअल इमेज हमें कुछ इस तरह से इन्वर्टेड इमेज नज़र आती है। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट की हमें इस तरह से वर्चुअल इमेज यहाँ पर नज़र आती है, वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज नज़र आती है, और ये वर्चुअल इन्वर्टेड इमेज जो होती है, ठीक है, ये हमें ऐसा एहसास कराती है कि यहाँ पर सपोज़ कोई तालाब है, कोई पानी है, ठीक है, कोई वाटर पॉन्ड है, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट की हमें इन्वर्टेड इमेज नज़र आ रही है। ठीक है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, इन वार्म एंड कोल्ड लेयर्स की वजह से ये हमें
एक वर्चुअल इमेज क्रिएट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के पास ज़रूर कोई ना कोई तालाब होगा, कोई पानी होगा, कोई वाटर पॉन्ड होगा, जिसकी वजह से इसकी इमेज, इस ऑब्जेक्ट ओ की इमेज हमें इन्वर्टेड यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये एक तरह का धोखा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मिराज। और ये धोखा किस वजह से हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही। ठीक है, तो ये भी बेसिकली एक एप्लीकेशन में ही काउंट होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। इसके बाद हम बात करें अगर द ब्रिलियंस ऑफ द डायमंड्स एंड द अदर प्रीशियस स्टोन्स। नॉर्मली जो डायमंड्स होते हैं और जो स्टोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं ना, बहुत ज़्यादा चमकीले होते हैं और अक्सर लाइट में तो वो ज़्यादा झिलमिला उठते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है कि वो झिलमिलाते क्यों या चमकते क्यों हैं, तो ऑब्वियसली इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही है। अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड का जो डायमंड एयर इंटरफेस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड इज 2.47, हमें पता है, एंड द क्रिटिकल एंगल फॉर द डायमंड एयर इंटरफेस इज 23 डिग्री ओनली, है ना। डायमंड एयर का जो इंटरफेस होता है वो सिर्फ 23 डिग्री का होता है। तो ऑब्वियसली क्योंकि डायमंड्स में बहुत सारी सर्फेस होती हैं, बहुत सारी सर्फेस होती हैं जो एक स्पेसिफिक एंगल्स पर एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होती हैं, तो जब भी लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी डायमंड पर, तो ऑब्वियसली उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट 23 डिग्री से अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे चांस होंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल जो है वो कम है किसी भी डायमंड का। सो इसलिए ऐसे यहाँ पर नंबर ऑफ चांसेस होंगे जब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होगा उस डायमंड के लिए लाइट रे का, वो क्या होगा, 23 डिग्री से ज़्यादा होगा। और ऑब्वियसली जब 23 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर लाइट रे क्या होगी, इन टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब डायमंड के अंदर ही यहाँ पर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन परफॉर्म होगा। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब डायमंड में परफॉर्म होगा, सो ऑब्वियसली वहाँ से हमें नंबर ऑफ सर्फेसेस से टकराते हुए जब लाइट रे निकलेगी, तो हर लाइट रे जो है वो थोड़ी सी झिलमिला सी उठेगी, चमकेगी। ठीक है, हर सरफेस जो है वो उसकी चमकने लग जाएगी। सो ऑब्वियसली यही रीज़न होता है। ठीक है, ड्यू टू द लो वैल्यू ऑफ द क्रिटिकल एंगल द डायमंड कैन कट so as to have the large number of faces. As such, the ray of light on entering the diamond from the face undergoes a series of total internal reflection from the other faces till the angle of incident inside the diamond remains greater than the critical angle. So as a result, it shines very brilliantly. ठीक है, सो यही रीज़न होता है कि जो जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं या फिर जो डायमंड्स होते हैं वो इतने झिलमिलाते क्यों हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स काफ़ी फेमस फाइबर्स हैं जो बेसिकली ऑप्टिकल को या फिर लाइट रे को ट्रैवल करते करवाते हैं। सो ऑप्टिकल फाइबर्स बेसिकली एक फाइबर्स होते हैं, प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, नॉर्मली प्लास्टिक या ग्लास मटेरियल के बने हुए होते हैं। और यहाँ पर इसके जो स्ट्रक्चर होता है, उसके स्ट्रक्चर में बेसिकली एक कोर होता है, क्लैडिंग होता है। हम देख सकते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके स्ट्रक्चर में जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं कोर। और इसके ऊपर जो प्लास्टिक का एक और स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ कॉल्ड द क्लैडिंग। ठीक है, बहुत ही पतले होते हैं, बिल्कुल इतने पतले जिनका जो डायमीटर होता है वो लगभग माइक्रोमीटर्स में होता है। ठीक है, बहुत पतले ये होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। और ये ऑप्टिकल फाइबर्स एक्चुअल में ट्रैवल करवाते हैं लाइट को अपने में से विद द हेल्प ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम कोई लाइट रे इस ऑप्टिकल फाइबर से इसका जो कोर है, इस कोर में किसी लाइट रे को एंटर करवाते हैं, और इस तरह से एंटर करवाते हैं ताकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, तो लाइट रे टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाता है इस कोर में। ये जो कोर है और ऑब्वियसली जो ऊपर का हिस्सा, इसे हम कहते हैं क्लैडिंग। सो नॉर्मली जो कोर होता है, उस कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। ये सपोज यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू 1.7 है, और जो क्लैडिंग है, इस क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है 1.5 सपोज। ठीक है, सो यहाँ पर क्योंकि जो कोर है वो बेसिकली डेंसर मीडियम कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू क्लेडिंग। ठीक है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का ज़्यादा है, तो इसलिए जब भी लाइट रे को हम इंसर्ट करवाते हैं इस कोर में, ऑब्वियसली डेंसर मीडियम में, इस तरह से कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, तो लाइट रे क्या होती है, डेंसर मीडियम में ही टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, और इस तरह से जिगजैग मैनर में, इस तरह से जिगजैग पैटर्न में ट्रेवल करना शुरू कर देती है। सो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट इनसाइड द फाइबर, एक स्पेसिफिक फाइबर के बीच में जो ऑप्टिकल रे को ट्रैवल करवा रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। और ये काफ़ी यूजफुल होता है ऑप्टिकल फाइबर,
अभी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स है इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने का जहाँ पर आप स्पीड ऑफ लाइट से इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फाइबर। सो ऑप्टिकल फाइबर की अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, सो ऑप्टिकल फाइबर्स हैव बीन फाउंड टू बी ग्रेट यूज़। अ फ्यू एप्लीकेशन ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर्स आर लिस्टेड बिलो। सबसे पहला, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड द कंप्यूटर। कम्युनिकेशन और कंप्यूटर्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अभी हम चाहें कम्युनिकेशन सिग्नल या इन्फॉर्मेशन सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह हमें ट्रैवल करवाना हो, या फिर हमें किसी इमेजेस को ट्रैवल करवाना हो, ऑडियो वीडियो को ट्रैवल करवाना हो, ऑडियो वीडियो को हमें सेंड करना हो एक जगह से दूसरी जगह, और हम बहुत फास्ट ट्रांसमिशन चाहते हैं विदाउट एनी लॉसेस, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में जो लाइट एनर्जी जो है वो पूरी पूरी तरह रिफ्लेक्ट होती है, मतलब लॉसेस बहुत कम होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से किसी इन्फॉर्मेशन को अगर कन्वे कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ऑब्वियसली उसमें भी होने वाले लॉसेस क्या होंगे, बहुत कम होंगे, ये ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होंगे। सो ऑप्टिकल फाइबर्स हैव बीन फाउंड इन द यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन एंड द कंप्यूटर्स एंड दे आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट रिसीव करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ऑब्वियसली इसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पहले लाइट में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर से सिर्फ और सिर्फ लाइट ही ट्रैवल कर सकता है। द ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द ऑप्टिकल सिग्नल्स एंड द टू डायमेंशनल पिक्चर्स, जैसा मैंने कहा। द ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज फॉर मेकिंग द मेडिकल इन्वेस्टिगेशन यूजिंग एन ऑप्टिकल फाइबर, और डॉक्टर कैन विजुअली एग्जामाइन द इनसाइड ऑफ द स्टोमिक एंड इंटेस्टाइन एट्सेट्रा। इट इज़ कॉल्ड द इंडोस्कोपी इन द मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में जब भी हमें बॉडी के अंदर किसी पार्ट की स्टडी करनी होती है, तो उसके लिए जो नॉर्मली जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारी बॉडी में कैमरेज को डालते हैं, ठीक है, कैमरेज को इंसर्ट करते हैं, और उस कैमरेज की मदद से बाहर स्क्रीन पर उस बॉडी के इंटरनली फंक्शंस को देख पाते हैं, या बॉडी बॉडी के इंटरनली पार्ट्स में होने वाली किसी डिसीज़ को, या फिर बॉडी के किसी पार्ट की स्टडी को कर पाते हैं, ठीक है। सो ये कब पॉसिबल हो पाता है, जब कैमरा अंदर गया और वहाँ से आने वाला जो लाइट है वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ आया और स्क्रीन पर उसने पिक्चर क्रिएट की। तो यहाँ पर इस तरह से मेडिकल साइंस में भी इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एंडोस्कोपी, जिसमें डॉक्टर जो होते हैं वो जब किसी पेशेंट के पेट की या फिर उसकी आंतों की इंस्टेंटाइन की स्टडी करते हैं, सो ऑब्वियसली वहाँ पर जो कैमराज वगैरह पेट में स्टोमैक में या फिर इंटेस्टाइन में जब डाला जाता है, तो वहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मदद से ही हम अंदर के पार्ट्स की स्टडी कर पाते हैं। द ऑप्टिकल फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ फोटो मेट्रिक सेंसर्स आर यूज फॉर मेजरिंग द ब्लड फ्लो इन द हार्ट, ठीक है, एंड द ऑप्टिकल फाइबर्स इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टोमीटर्स आर यूज टू डिटरमाइन द रिफ्लेक्टिव इंडाइसेज ऑफ द लिक्विड। कि अलग अलग तरह के लिक्विड्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मेज़र करने के लिए भी हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ करना होता है, ठीक है, जिसकी मदद से हम किसी लिक्विड में लाइट रे को इंसर्ट करके उसके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, द ऑप्टिकल फाइबर सेंसर्स हैव बीन यूज टू मेज़र द टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर को मेज़र करने के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर सेंसर्स का यूज़ किया जाता है। सो ऑब्वियसली ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस थे ऑप्टिकल फाइबर के, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिफाइन करते हैं और हमें ये बताते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उसका प्रैक्टिकल यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और जो डिवाइसेस होती है नॉर्मली, जो ऑप्टिकल डिवाइसेस होती है जहाँ पर लाइट की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर मैक्सिमम टाइम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना का ही यूज़ किया जाता है उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, काफ़ी सिंपल सा लेक्चर था। इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।